बेटा आपका मैं सिलेबस बनाने लगी हूँ, रिवीजन टेस्ट 1। इसका सिलेबस क्या है? 2 चैप्टर हैं आपको, ठीक है? मैं अभी साथ ही दोनों बता देती हूँ, नोट कर लो। ये रिवीजन टेस्ट 1 का सिलेबस और रिवीजन टेस्ट 2 का सिलेबस। आपके 2 चैप्टर हैं, दुख का अधिकार और एवरेस्ट। रिवीजन टेस्ट 1 में आएगा दुख का अधिकार, टू में होगा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, उसके बाद 2 पद्य भाग में 2 हैं, रहीम रैदास, ओके। उसके बाद आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, शब्द और पद, ये भी नोट कर लो, शब्द और पद, अनुस्वार, अनुनासिक, अनुस्वार अनुनासिक, उपसर्ग प्रत्यय, इधर है श्रुति संभिन्नार्थक, पर्यायवाची, विलोम, अर्थ के आधार पर वाक्य, ठीक है? ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड, राइट? बेटे आपके सिलेबस में ही नहीं है, वो टर्म 2 में है। इस बार टर्म 1 का बस यही सिलेबस है, इसके अलावा अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है, वो तो आप कर ही सकते हो, और आपको मैंने बार बार बताया हुआ है। नहीं, आप लोगों को मैं हमेशा बार बार बता रही हूँ कि सारा पेपर टर्म 1 का एमसीक्यूज में है, टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव है, ये एमसीक्यूज में है, ठीक है? तो आपके जो रिवीजन टेस्ट है वो भी एमसीक्यूज फॉर्म में ही आएंगे, वो मैं देख लूंगी। उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है? पीडीएफ होगा या गूगल फॉर्म होगा वो कल बता दूंगी, ठीक है? ये नोट डाउन कर लो सब लोग। इसमें से दुख का अधिकार, रहीम, एवरेस्ट और रैदास, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? हम रिवाइज कर चुके हैं इनको, राइट? ग्रामर पार्ट के साथ में रिवीजन शुरू करवा रही हूँ, साथ में ये भी लेती रहूंगी, ये भी हम दोबारा से कर लेंगे रिवाइज। सबसे पहले आज मैं लेने लगी हूँ अनुस्वार और अनुनासिक। आप लोगों ने मुझे लास्ट वीक बोला था कि इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? रफ कॉपीज निकाल लीजिए बेटा।
कोई बताएगा मुझे अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में कुछ भी? हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, किसी को कुछ याद हो, कोई मुझे कुछ बता सके, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी? हाँ जी, ओके। और कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई भी? नो no? ओके, एनीबडी एल्स? नो, ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार मतलब बिंदी, अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। इसका क्या मतलब है? जब हम बोलते हैं, हमारे मुंह से जब ध्वनि निकलती, जब आवाज निकलती है, तो उसके साथ साथ हमारे नाक में से भी आवाज निकलती है। मैं कहती हूं पिताजी बाजार जा रहे हैं, वह बाजार गया है, दोनों में फर्क है? खुद ही बोल के देखो, वह बाजार गया है, हमारे मुंह में से आवाज निकल रही, ठीक है? यहाँ जोर पड़ता है, पेट पर जोर पड़ता है, फेफड़ों पर, फिर हवा बाहर आती है और मुंह से ध्वनियां निकलती हैं। वह बाजार गया है, नाक में से कोई आवाज निकली? निकली ब्रिजेश? निकली? नहीं निकली। पिताजी बाजार गए हैं, हैं के ऊपर हमें बिंदी सुनाई दी, बिंदी सुनाई दी, ठीक है? जब हमारे नाक में से भी आवाज निकलती है, नाक से जब आवाज आती है, पिताजी बाजार गए हैं, नाक से आवाज आ रही है, बिंदी लगेगी, ठीक है? पंख, पंख, प अंख, प मुंह से बोला गया, नाक से बोला गया, ख फिर मुंह से बोला गया, पंख, ठीक है? बिंदी सुनाई दे रही है, राइट? अंक, 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 ठीक है, बिंदी सुनाई दी। यह है अनुस्वार। जब हम अनुनासिक की बात करते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक बोलते समय आवाज लंबी हो जाती है, नाक में से, मुंह और नाक दोनों से आवाज निकलती है। कैसे? आंख, बोल के देखो, आंख, इसको हम अंख नहीं कहते, इसको हम अंख नहीं कहते, अंख तो नहीं कहते ना, जैसे हमने बोला पंख, अंक, पंखा, जल्दी बोला गया, बिंदी जो है वो जल्दी बोली गई, आंख, लंबी आवाज गई, ठीक है? कंगन, 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 जल्दी बोला गया, अनुस्वार, ठीक है? ऐसे अगर बोलते हैं चांद, चांद, लंबी आवाज आई या नहीं? ठीक है, ये लंबी आवाज आई, ओके। अब देखो और जो बात देखने वाली है, जो ना सिक्के व्यंजन होते हैं, व्यंजन आपको पता है, व्यंजन, स्वर व्यंजन याद है? अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह, ठीक है? ओ औ तक सारे स्वर होते हैं, उसके बाद ओ औ जो है वो आ जाता है अयोग वाह में, जिसे हम अंग कहते हैं, ठीक है? अ के ऊपर बिंदी लोग कहते हैं, अंग छोटा अंगूर, अंग बड़ा खाली, गलत है,
अंग के बाद खत्म, अंग नहीं बनेगा, कुछ लोग बोलते अंगा, नो इट्स रॉन्ग, अंग बिंदी, ठीक है। इसे लोग कहते हैं अंग बड़ा खाली, बिल्कुल ही गलत है, कॉन्सेप्ट ही गलत है ही नहीं ये। ये है अह, पीछे ये जो दो बिंदियां लगी हैं इन्हें कहते हैं विसर्ग। टॉपिक से थोड़ी सी हट रही हूं लेकिन समझाना चाह रही थी। यह है विसर्ग, जैसे क्या पढ़ोगे इसको? इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? ओके ओके, ऑनलाइन वाले बताएंगे, रेज योर हैंड्स, इसे क्या पढ़ोगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीबडी, कोई बताएगा? ब्रिजेश का कहना है कि मैडम जो लिखा है हम वही बोलेंगे, इसलिए हम अलग अलग तरह से बोल रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग लिखा है शायद। कोई कह रहा है प्रात, कोई कह रहा है प्राते, कोई कह रहा है प्रातः है, ठीक है। पर आत बिंदी बिंदी, आप ये पढ़ेंगे इसको, ओके, क्योंकि यही लिखा हुआ है, ठीक है। पहली बात यह है कि ये पर आत नहीं है, प अलग, र अलग, आ अलग, त अलग नहीं है, प के साथ त र है, ठीक है। और इसके पीछे ये बिंदी बिंदी नहीं है, ये है विसर्ग जो ह की साउंड देती है, और ये संस्कृत में यूज होती है ज्यादा, ठीक है। हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? अब सुनो, प्रातः, ना तो ये प्रात है, ना प्राते है, ना प्रातः है, नहीं, यह प्रातः। प्र, इसको हम प र अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, प्र प्रा त प्रातः, पीछे विसर्ग है, ह की साउंड है, प्रातः। इसको लोग पढ़ते हैं अतः, अत अतः, नो, यह अतः। ह भी पूरा नहीं है, अतः नहीं है, साउंड है सिर्फ, ठीक है। ये होते हैं अयोगवा। हम कर रहे थे स्वर और व्यंजन, अ आ ई ई उ री ए औ, ओ, ठीक है। क ख ग घ छ छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। बोल के देखो, क ख ग घ ञ, पांचवा वर्ण जो है ञ वो नाक से बोला जा, बाकी सबकी ध्वनि मुंह से निकल रही थी। च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक है। ये जो पांचवा वर्ण है इनकी जगह हम बिंदी का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे जब ये आधा अक्षर होता है, आपको पता है ना ये हलंत है, इसका मतलब है आधा अक्षर। हम क ऐसे लिख सकते हैं लेकिन ञ ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। हम ट आधा नहीं लिख सकते, नीचे हलंत लगाते हैं। ठ आधा नहीं लिख सकते, नीचे हलंत लगाते हैं, पता है सबको, ठीक है। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर। पांचवा वर्ण जहां आधा अक्षर आता है उसकी जगह बिंदी लगती है। गंगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा,
ठीक है, चंचल चवर्ग में, चंचल ठीक है, ठंडा ठंडा जालंधर, जालंधर ठीक है। और अनुस्वार कहाँ लगेगा? जो वर्ण है उससे पहले वाले वर्ण पर, पांचवा वर्ण जो आधा है उससे पहले वाले स्वर के ऊपर, उससे पहले वाले अक्षर के ऊपर, पहले वाले वर्ण के ऊपर। गंगा ग के ऊपर, चंचल च पर, ठंडा ध पर। आपको इस तरह के शब्द देकर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मानक रूप लिखें। याद है मैंने पिछली बार भी करवाया था मानक रूप, है ना? जैसे संबंध लेते हैं इसके एग्जाम्पल, संबंध आधा म है ठीक है, संबंध क्लियर, इज इट क्लियर? ये है मानक रूप। मानक रूप की एमसीक्यूज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बिंदी गलत लगा दी, मात्रा गलत लगा दी, कुछ भी। क्लियर एवरीबडी? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है तो प्लीज शो योर थंब, काइंडली शो योर थंब अगर कोई डाउट नहीं है तो। ओके चलूं आगे, इतना क्लियर हो गया। ऐसे अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कई ऐसी जगहें जहां पर अनुनासिक आना चाहिए लेकिन अनुस्वार लगता है। कैसे? अनुनासिक आना चाहिए लेकिन अनुस्वार का प्रयोग होता है। कहां पर? कहां पर? शिरोरेखा के ऊपर, दिनांक में नहीं। दिनांक में बिंदी आएगी, दिनांक नहीं होता। गद्यांश पद्यांश दिनांक, उसके ऊपर अनुस्वार है, अनुनासिक नहीं है। गद्यांश पद्यांश दिनांक नो, अनुस्वार है, अनुनासिक नहीं है। ठीक है, जो मैं बात कर रही हूं कि चंद्र बिंदु आना चाहिए, अनुनासिक आना चाहिए लेकिन अनुस्वार का प्रयोग होता है। कहां पर? जैसे शिरोरेखा के ऊपर, जो मात्रा शिरोरेखा के ऊपर जाती है उसके साथ जब अनुस्वार लगा है तो वो अनुस्वार नहीं है, वो अनुनासिक है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। जैसे हम लिखें गोंद, गोंद पता क्या होती है? गोंद नहीं है, गोंद ग्लू, ग्लू नहीं, ग्लू ठीक है, गोंद। अब क्या है? होना कैसे चाहिए था, नहीं हो पाया, जगह नहीं है लिखने की, ऐसे लिखा गया। अब ये जो चंद्र बिंदु है ये मात्रा इसमें मर्ज, ये हिस्सा इसमें मर्ज हो गया, ये हिस्सा इसमें मर्ज हो गया, तो अपनी सहूलियत के लिए हमने उसको ये बना दिया। जो ये है ये बना। अब हम ये भी नहीं लिखते हैं, ये बन गया। क्लियर?
किसी को कोई डाउट इसमें? नो no. शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा सबको पता है ना, जो हम ऊपर लाइन लगाते हैं, शिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा है सिंध अनुस्वार नहीं है, अनुनासिक है, ठीक है। सींग अनुस्वार नहीं है, अनुनासिक है, ओके। अनुनासिक है, अनुनासिक, 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 अनुनासिक है, अनुनासिक, यस, अनुस्वार नहीं, अनुनासिक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? क्लियर और नॉट? ओके, एक शब्द है कुंवारा, लोग अक्सर ऐसे लिखते हैं कुंवारा, ऊपर होना चाहिए चंद्र बिंदु, लेकिन लेकिन क्योंकि हिंदी भाषा कंप्यूटराइज्ड हो रही है, ठीक है, उसके कंप्यूटराइज्ड होने के कारण बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके ऊपर चंद्र बिंदु आना चाहिए लेकिन बिंदी आती है, इसलिए अब बुक्स में आपको इस तरह के शब्द पढ़ने को भी मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कहां बिंदी आनी है, कहां अनुस्वार आना है, कहां अनुनासिक आना है, क्लियर। कंप्यूटराइज्ड होने के कारण कुछ समस्या कई शब्दों में आ रही है, ओके। आपको एमसीक्यूज में ऐसा वाला आएगा ही नहीं, पर आपको पता होना चाहिए क्या ठीक है क्या गलत, ठीक है। एक शब्द है आंगन, आंगन, कई जगह आजकल पढ़ने को मिल रहा है आंगन, ये गलत है, ये ठीक है, शुद्ध मानक रूप ये है आंगन। अब उसको आंगन नहीं बोलेंगे, आंगन बोलेंगे, क्लियर। किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? एनी डाउट? माँ के साथ आधे अक्षर का मैंने बता दिया, जब आधा माँ है, जैसे संयोग, सम प्लस योग, म के नीचे हलंत है, आधा म है, तो वो बनेगा संयोग, ये है सम प्लस योग, आप इसको संयोग नहीं लिख सकते, ये गलत है, आप इसे संयोग नहीं लिख सकते, ये होगा संयोग। यहां पर भी अनुस्वार का प्रयोग है, ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स बता रही हूं मैं आपको, कहां कहां इसका यूज होना, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? श्योर? मैंने आपको ये भेजा भी हुआ है, अनुस्वार अनुनासिक, उसको एक बार जरूर पढ़ना है, पढ़कर उसमें किसी शब्द में कोई भी डाउट निकले तो मुझसे जरूर पूछना कि ये शब्द कैसे बना, इसमें बिंदी कैसे है, इसमें अनुस्वार कैसे और अनुनासिक कैसे है, ठीक है। और आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में भी बड़े सारे तरीके बनते हैं, जैसे एक शब्द दे दिया, ठीक है, उसका शुद्ध मानक रूप कौन सा है, शब्द दिए हुए हैं उसमें से अनुस्वार के उदाहरण छांटो,
शब्द दे दिए, उसमें से अनुनासिक की उदाहरण और अनुनासिक शब्द छांटो, ठीक है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस बनकर आपको आ सकते हैं, सो प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। क्लियर? एनी अदर डाउट एनीबडी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट बेटे? नो डाउट? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रही थी, क्लियर करना चाहती हूँ। जब आप अनुनासिक लगाते हैं, कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। कैसे? जहां अनुनासिक नहीं आता वो क्या है? अर्धचंद्राघात, अर्धचंद्राकार या आगत ध्वनि। आगत ध्वनि क्या होती है? आगत ध्वनि जहां अ की साउंड आती है, इंग्लिश के अ की साउंड, इसे हम ऑफिस तो नहीं बोलते ना, ओ नहीं है, ऑफिस। साउंड कौन सी है? अ, ऑफिस, ठीक है। हिंदी में हम लिखते हैं ऑफिस। कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं? क्या बनेगा? आमफिस। आमफिस गलत हो गया, ठीक है। इसी तरह से कॉलेज, कॉलेज ओ, ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर। आपसे खड़े होने के लिए किसने कहा बेटा? बैठ जाइए। अगर आप इसमें अनुस्वार भी लगा देते हैं, चंद्रबिंदु बन गया, अनुनासिक बन गया, बन जाएगा कॉलेज, डॉक्टर, तो गलत है। जब आप अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कर समय, अनुनासिक के समय जब कोई शब्द लिखेंगे तो उसमें बिंदी जरूर लगानी है अनुनासिक के समय, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जब इस तरह के शब्द लिख रहे हैं तब बिंदी नहीं लगाएंगे, तब वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों में भी अंतर आपको पता होना चाहिए, राइट? जो आपको मैंने नोट्स भेजे हुए हैं वो आप एक बार पढ़ेंगे, कोई शब्द उसमें नहीं समझ में आता तो फिर एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा, ओके? थैंक यू बेटा।